आपलं शहर आता स्मार्ट होतंय, मग तुम्ही कधी स्मार्ट होताय? स्मार्ट न्यूजचे यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा, स्मार्ट बना, नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा। नमस्कार, मैं ओमकार अंगड़ी, स्मार्ट प्लस के आज के समाचार में आपका स्वागत। सबसे पहले एक नज़र आज के सुर्खियों पर। अब मस्जिद में स्पीकर के खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन, जम्मू कश्मीर में आतंकियों का ठिकाना तबाह, सामना करना है धूप का, पीना पानी मटके का, सीआरसेल विभाग के डीजीपी डॉक्टर रविंद्र का ज्योतिनगर दौरा, शहर और तालुका में बारिश का कहर जारी, रणकुंडे गाँव के हत्याकांड मामले में 4 गिरफ्तार। जले दीप अंगना में होगी रोशन दुनिया, पलकों तले छा जाए चांद तारों का साया, रंगोली में खिले रंग खुशियों की भी तरानी, तन मन झिल मिल जाए हर पल होगी सुहानी, ये अटूट बंधन खिले हर आशियाना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना, रंग वस्त्रों का खजाना मन भाए आराधना, आराधना मारुति गली बेलगाम, मन भाए आराधना। अब समाचार विस्तार से। हलाल मीट के खिलाफ आंदोलन का आह्वान करने के बाद कर्नाटक में श्रीराम सेना और बजरंग दल जैसे हिंदू संगठनों ने भी मस्जिदों में स्पीकर के खिलाफ आवाज उठाई है। इन संगठनों ने मस्जिदों में स्पीकर पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। श्रीराम सेना के प्रमोद मुतालिक ने ध्वनि प्रदूषण पर अंकुश लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार मस्जिदों में शोर पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। पहले ये मांग की गई थी, हालांकि इसे नज़रअंदाज कर दिया गया। इसलिए मस्जिद के प्रबंधक को इसकी सूचना देनी चाहिए और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि अदालत ने रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक वक्ताओं के इस्तेमाल पर भी प्रतिबंध लगा दिया। जहाँ दक्षिणपंथी समूह ने मस्जिदों में लाउड स्पीकर लगाने का विरोध किया, वहीं कर्नाटक के एस ईश्वरप्पा ने भी आंशिक रूप से इस विचार का समर्थन किया। इस प्रश्न का उत्तर मुस्लिम समुदाय में विश्वास करके पाया जा सकता है। मरीजों और छात्रों की दुर्दशा को देखते हुए ये जरूरी है। जम्मू कश्मीर में आतंकियों का ठिकाना तबाह। जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले में नियंत्रण रेखा के पास एक गाँव में सुरक्षा बलों ने छापेमारी कर भारी मात्रा में हथियार और गोला बारूद जब्त किया है। रक्षा मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने सोमवार को कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में शांति प्रक्रिया को बाधित करने की दुश्मन की साजिश को सतर्क सुरक्षा बलों ने समय रहते हथियार जब्त कर लिया। सेना और पुलिस के संयुक्त अभियान के दौरान हवेली तालुका के नूरकुट गांव में ठिकाना था। घटनास्थल से जब्त किए गए हथियारों और गोला बारूद में 2 AK-47 राइफल, 2 मैगजीन और 63 कारतूस, 1 230 बोर की बंदूक, इसकी 2 मैगजीन और 20 कारतूस, मैगजीन के साथ 1 चीनी पिस्तौल और 4 कारतूस शामिल है। प्रवक्ता ने कहा कि जम्मू कश्मीर में शांति प्रक्रिया को बाधित करने की दुश्मन की चालाकी योजना को एक बार फिर से सतर्क सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। सामना करना है धूप का, पीना पानी मटके का। अप्रैल का महीना शुरू हो चुका है और शहर में गर्मी का पारा दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। इससे नागरिक परेशान है। दिन में कम से कम एक बार चिलचिलाती धूप में टहलना होता है और घर में सेहतमंद पानी के लिए मटके की जरूरत पड़ती है। याद रहे कि मटके का ठंडा पानी फ्रिज से भी अच्छा है। खानापुर, कलकत्ता, गुजरात, पनाला आदि गाँव से बिक्री के लिए बेलगाम पहुँचे हैं और इसकी काफ़ी मांग है। 250 रुपये से लेकर 500 रुपये तक ये मटके उपलब्ध हैं। ये स्टॉल शहर के APMC रोड, तिलकवाड़ी, कांग्रेस रोड, वड़गांव, भांदुर गली, भड़कल गली, नेहरू नगर, विजयनगर, झाड़शाहपुर आदि में बिक्री के लिए है। CRCL विभाग के DGP डॉक्टर रविंद्र का ज्योतिनगर दौरा। बेंगलोर में CRCL के DGP डॉक्टर रविंद्र ने मंगलवार को ज्योतिनगर स्थित डोमरी कॉलोनी में समस्याओं का निरीक्षण किया और कॉलोनी के नागरिकों से बातचीत की, उनकी समस्याओं को भी जाना। उन्होंने ज्योतिनगर के नागरिकों के घरों का दौरा किया और पेयजल आपूर्ति की जानकारी ली। इन कॉलोनियों के नागरिकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। बच्चों की पढ़ाई, अच्छी सड़कें, सीवरेज और समाज के साथ हो रहे अन्याय को जानकर यहां के कई नागरिकों ने IPS अधिकारियों के सामने अपनी चिंता जताई है। डॉक्टर रविंद्र के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस समय नगर आयुक्त रुद्रेश घाली, दलित नेता मलेश चौगुले, सिद्धप्पा कामले, GRP सदस्य सागर लाखे, पप्पू भोसले, महेश कोलकर, आनंद कोलकर, अनिल कामले सहित ग्रामीण मौजूद थे। शहर और तालुका में बारिश का कहर जारी।
दोपहर तक चिलचिलाती गर्मी और एक बारिश के साथ शहर प्रकृति के एक दैनिक चक्र में फंस गया है। बेलगाम शहर और तालुका क्षेत्र में रोजाना बारिश का सिलसिला जारी है। इसे शहरी क्षेत्र में लोगों में नाराजगी है। तालुका के निवासियों को नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। बिजली गिरने और तूफान ने कई जगहों पर पत्तियों को भारी नुकसान पहुंचाया है। इसमें बेलगाम तालुका के पूर्वी और पश्चिमी हिस्सों के किसान प्रभावित हुए हैं। भारी बारिश ने तबाही मचा दी। पिछले चार दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने शहर और तालुका के नागरिकों को बारिश से बचाव के लिए संघर्ष करने को मजबूर कर दिया है। बेलगाम तालुका के पूर्वी हिस्से में पंत बालेकुंद्री और सामरा क्षेत्र सहित कई गांव मूसलाधार बारिश से तबाह हो गए। मुचंड में बिजली गिरने से गावतगंज में आग लग गई। इससे किसानों को काफी नुकसान हुआ है। नतीजतन तालुका के किसान फिर से परेशान हो गए है। रणकुंडे गांव के हत्याकांड मामले में चार गिरफ्तार। बेलगाम तालुका के रणकुंडे गांव में आर्थिक लेनदेन को लेकर एक युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में बेलगाम ग्रामीण पुलिस ने चार लोगों को गिरफ्तार किया है। अन्य भगोड़े आरोपियों की तलाश की जा रही है। रणकुंडे निवासी 31 वर्षीय नागेश भाऊसाहेब पाटिल की शनिवार की मध्यरात्रि में उनके घर में घुसकर चाकू मारकर हत्या कर दी गई। इसके बाद आरोपित नागेश का शव घर के सामने फेंक कर फरार हो गए। पुलिस का मानना है कि हत्या आर्थिक लेनदेन के चलते की गई है। बेलगाम ग्रामीण पुलिस ने मामले की सफलतापूर्वक जांच कर चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। खुलासा हुआ है कि आरोपी हत्यारे नागेश का दोस्त है। पुलिस ने प्रमोद सहदेव पाटिल, उनके भाई श्रीधर सहदेव पाटिल, महेंद्र यलापा कंगरालकर और भोमनी कृष्ण डुकरे को गिरफ्तार किया है। इस बुलेटिन में वक्त हो गया है छोटे से ब्रेक का। देखते रहे स्मार्ट प्लस। पोद्दार ब्रदर्स ज्वेलर्स, अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न ज्वेलरी इन नॉर्थ कर्नाटका, गोवा एंड सदर्न महाराष्ट्र, सर्विंग सिंस 5 जनरेशन। Exclusive gold, silver and platinum jewelry showroom. Poddar Brothers, Poddar Sons and Grandsons. Khade Bazar, Belgaum. Call is on 0831 240-5550 or 51 or 52 or 53. Visit us at www.poddarjewelers.com. बेलगाम वासियों के पसंद में उतरा उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट। सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हमारा स्टाफ देता है बेहतरीन सर्विस का विश्वास। यहां है पार्टी और फंक्शन के लिए 3 आलिशान हॉल, कारपोरेट डिनर मीटिंग के लिए 3 अलग कक्ष, आईपीएल मैच देखने के लिए 3 बड़े स्क्रीन की विशेष सुविधा। इसके साथ ही साफ सुथरा किचन, जहां हमारा वेल क्वालिफाइड स्टाफ देता है क्वालिटी और हाइजीनिक फूड की गारंटी। तो फिर खाने की हो बात तो आना परिवार के साथ उड़ान बार एंड रेस्टोरेंट, लिंगराज कॉलेज के पास, बेलगावी। फोन 0831-243577। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत। बढ़ते हैं अगले समाचार की ओर। शिव के समय से लेकर आज तक पोवाड़ा में समाज प्रबोधन होता रहा है। पहाड़ी स्वर से शाहिर शिवराय का गुणगान गाकर समाज को ज्ञानी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। रविवार को शाहिर रामानंद उगाले ने अपनी समान पहाड़ी आवाज के साथ शिवचरित्र का अनावरण किया। कई दिनों बाद बेलगाम में इतने बड़े आयोजन के चलते शाहपुर कोरेगली में शिव भक्तों की भारी भीड़ जमा हो गई थी। कोरेगली शाहपुर में समित्र साप्ताहिक वार्षिक कोष की 71वीं वर्षगांठ के अवसर पर जी युवा संगीत सम्राट फेम युवा शाहिर रामानंद उगले द्वारा शिवचरित्र पोवाड़ा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। मंच पर समित्र साप्ताहिक वार्षिक कोष के अध्यक्ष शिवाजी हवलन्ना, तुकाराम बैंक के अध्यक्ष प्रकाश मरगाले, शिवाजी मंडोलकर, पार्षद शिवम शेलके, युवा समिति के अध्यक्ष मदन बामने, महेश नाईक, पूर्व मेयर रेणु किलेकर महिला अध्यक्ष थे। आघाड़ी शांताराम गावडोजी, उन्होंने दीपक जलाए और भगवान शिव की मूर्ति की पूजा की। युवा सेना के महासचिव वरुण सरदेसाई से युवाओं की भेंट।
संयुक्त महाराष्ट्र की घोषणा के साथ शिवसेना युवा सेना के महासचिव वरुण सरदेसाई का गर्म जोशी से स्वागत किया गया। इस समय युवा सेना हमेशा सीमावर्ती क्षेत्रों में युवाओं का समर्थन करेगी, ऐसी गवाही सामरा हवाई अड्डे पर सरदेसाई ने दी। वरुण सरदेसाई सोमवार को कोल्हापुर विधानसभा उपचुनाव के प्रचार के लिए बेलगाम होते हुए कोल्हापुर गए थे। दोपहर में जैसे ही सरदेसाई पहुंचे, ये घोषणा की गई कि बेलगाम, कारवार, निपानी, बिदर और भालकी के साथ एक संयुक्त महाराष्ट्र होना चाहिए। शिवसेना के जिला प्रमुख प्रकाश शिरोलकर ने भगवा टोपी और फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। इस समय सरदेसाई ने गवाही दी कि वो सीमावर्ती क्षेत्रों में मराठी युवाओं के साथ खड़े रहेंगे। शिवसेना संपर्क प्रमुख अरुण दुधवाड़कर, कोल्हापुर जिला प्रमुख विजय देवने, संजय पवार, प्राध्यापक सुनील शिंदे, सचिन गोरले, अरविंद नागनुरी, महेश टंगसाली, बंडू केरवाड़कर, प्रवीण तेजम, प्रकाश राउत आदि उपस्थित थे। एक महीने तक घर के टैक्स पर मिलेगी 5% की छूट। पिछले वित्तीय वर्ष में एनएमसी के इतिहास में 44.15 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड टैक्स वसूला गया है। 88% पट्टों की वसूली की जा चुकी है और अब वित्तीय वर्ष 2022-23 के पट्टों के लिए 31 अप्रैल तक 5% की रियायत दी गई है। वित्तीय वर्ष 2021-22 में नगर निगम के चुनाव हुए थे। भारी बारिश और कोरोना महामारी जैसे तमाम संकटों पर काबू पाने के लिए 44.15 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड मकान किराया वसूल किया गया है। हालांकि अधिकारियों को विभिन्न कार्य करने पड़ते हैं, लेकिन मकान का किराया अच्छी तरह से वसूल किया गया है। अब वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए 50 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य है। हर साल की तरह 30 अप्रैल तक प्रॉपर्टी मालिकों को 5% की छूट दी गई है। नगर निगम की ओर से अपील की गई है कि इस दौरान अधिक से अधिक लोग मकान का किराया देकर रियायत का लाभ उठाएं। विधायक सतीश जारकीहोली फाउंडेशन की ओर से कुर्सियों और साउंड सिस्टम का वितरण। विधायक सतीश जारकीहोली फाउंडेशन की ओर से आज जाधव नगर स्थित कार्यालय में कुर्सियों और साउंड सिस्टम का वितरण किया गया। युवा नेता राहुल जारकीहोली द्वारा कुर्सियों और साउंड सिस्टम का वितरण किया गया। उत्तर और दक्षिण विधानसभा क्षेत्रों जैसे देवस्थान, समुद्र भवन, मस्जिद, संस्कृति भवन में कुल 18 सामुदायिक ट्रस्टों को 100 कुर्सियों और ध्वनि प्रणालियों का वितरण किया गया। पूर्व जिला परिषद उपाध्यक्ष अरुण कटामले, केपीसीसी सदस्य मलगवड़ा पाटिल, पूर्व जिला पंचायत सदस्य सिद्धू सुनगार, प्रदीप एमजे, अनु कटामले, ज्योतिबा कनबरकर एवं अन्य उपस्थित थे। ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के सुधार हेतु मई समिति का बयान। ग्रामीण क्षेत्रों में इस खराब सड़कों को लेकर बेलगाम तालुका महाराष्ट्र एकीकरण समिति के नेताओं ने आज लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों से मुलाकात की। पूर्व विधायक मनोहर किनेकर, पूर्व महापौर शिवाजी सुनकर, अधिवक्ता सुधीर चव्हाण और अन्य ने सोमवार को लोक निर्माण विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मुलाकात की। बैठक के दौरान समिति के नेताओं ने ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की खराब स्थिति पर चर्चा की। उन्होंने ये भी मांग की कि युद्ध के मैदान में सड़कों की मरम्मत की जाए। इस समय बड़स के रास्ते बकमूर गाँव की ओर जाने वाले मार्ग की विशेष चर्चा हुई। बेलगाम शहर से लगे ग्रामीण इलाकों की सड़कों का हाल बदहाल है, इसलिए मांग की गई कि इन सड़कों की तत्काल मरम्मत की जाए। आईपीएस अधिकारी भास्कर राव आप में शामिल। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में होंगे। इस पृष्ठभूमि में कर्नाटक के पूर्व आईपीएस अधिकारी भास्कर राव आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की उपस्थिति में आप में शामिल हो गए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भास्कर राव को पार्टी की सदस्यता दी है। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री सिसोदिया ने कहा, दिल्ली में आप सरकार की छवि पूरे देश में फैल रही है। वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी भास्कर राव ने अपनी नौकरी छोड़ दी है और आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। भास्कर राव पुलिस आयुक्त थे। पूर्व आईपीएस अधिकारी भास्कर राव ने कहा कि कर्नाटक का आम आदमी भी बदलाव चाहता है। आपने बहुत सारी पारंपरिक पार्टियां देखी होंगी, पार्टियां चली गई है लेकिन व्यवस्था नहीं बदली है, इसलिए मैंने आम आदमी पार्टी में शामिल होने का फैसला किया, ऐसा उन्होंने कहा। कोरिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप, निशाने पर भारत की जिम्मेदारी। प्रतिभाशाली युवा एथलीट लक्ष्य सेन और दो ओलंपिक पदक विजेता पीवी सिंधु मंगलवार से शुरू हो रही कोरिया ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत की जिम्मेदारी है। अर्जुन स्पोर्ट्स जीता। के शेट्टी स्पोर्ट्स फाउंडेशन ने जिमखाना मैदान में आयोजित शेट्टी मेमोरियल कप T20 लेदर बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट में अर्जुन स्पोर्ट्स और हुबली टाइगर्स ने मंगलवार को अपने प्रतिद्वंदियों को हराया। सुबह खेले गए पहले मैच में अर्जुन स्पोर्ट्स हुबली टाइगर्स ने विशरत स्ट्राइकर्स को 10 विकेट से हरा दिया। विशाल चव्हाण और उमेश गंगने ने रॉ फिटनेस जिला स्तरीय बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता जीती।
विशाल चव्हाण ने रॉ फिटनेस जिम द्वारा आयोजित धर्मवीर संभाजी उद्यान ग्राउंड महाद्वा रोड में मिस्टर रॉ फिटनेस जिला स्तरीय बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता जीती, जबकि उमेश गंगरे ने सर्वश्रेष्ठ पोजर का खिताब जीता। विश्वंभर कोलेकर अमर डुक्करवाड़कर की बदौलत साउथ जोन रेलवे डिवीजन को चैंपियनशिप। कोलकाता में 86वीं अखिल भारतीय रेलवे एथलेटिक्स चैंपियनशिप में बेलगाम के बेटे विश्वंभर कोलेकर, अमर डुक्करवाड़कर और कोच नागराज बीजी उनके शानदार प्रदर्शन ने साउथ जोन रेलवे को पहली बार चैंपियनशिप जीतने में मदद की। इसी के साथ स्मार्ट प्लस के आज के समाचार समाप्त हुए। धन्यवाद।